ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੈਸੇ। ਓਏ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੌਲਾ ਰੱਖ। ਇਸਕੀ ਬਾਤ ਕਾ ਬੜਾ ਦਾ ਬਣਾਣਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਕਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਛੇ ਕਾਮੋਂ ਪੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੋ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਯੇ ਵੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਕਚਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਪ ਯੇ ਧੁੰਦ ਨਾਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਬੁਕੀਓਂ ਕਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤੇ। ਓਏ ਪੱਪੂ, कचरे के हाथ में गोलियां और पिस्तौल नहीं होते, और ना ही जान का खतरा होता है। तो शहर के सबसे बड़े बुकियों के साथ पंगा लेने की बात कर रहा है, जरा मुझे भी तैयारी करने दे। आज से पहले किसी जालिम को छोड़ा है मैंने इलाके में जो इसको छोड़ूंगा। और देखिए जी हीरो भाई, जब ये मैच शुरू होता है तो सरेआम सट्टे लगाने बैठ जाते हैं, और जब पुलिस का पड़ता है छापा, ये फोन और कापियां लेके दौड़े लगा जाते हैं और पूरे मोहल्ले का माहौल खराब करके रखा हुआ है जी। परसों मैच है? हाँ जी हाँ जी, आता हूँ मैं। पहले तो इनकी केबल काटता हूँ, जब बाहर आएंगे तो चपेड़ों का तो पता है तुम लोग, चपेड़ अच्छी मार लेता हूँ मैं। नहीं और कोई हुक्म है तो बताओ। हीरो साहब और क्या बताएं, वो आप भी काम शाम की छुट्टियाँ तेज करें। उम्मीद भाई ने पूरे इलाके की अपने हाथों से सफाई की है और जमादारों को डबल पैसा भी दिया है। और रंगबाजियाँ कर रहा है वो, रंगबाजियाँ निड़ी रंगबाजियाँ। और जिंदगी भर काम नहीं किया उसने, 5 साल सुता होया सी, सारा कुछ सड़ाने रखा हुआ था। अब जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो सफाइयां कर रहा है, कुछ नहीं सिर्फ दिखावा है दिखावा। ये लो भाइयों, सारे गिले शिकवे शिकायतें एक तरफ रख के ना तो भाभी के हाथ की चाय पियो, बिस्कुट खाओ। निमी बाजी, हमारी जनानियों के वोट आपके खिलाफ की वजह से पहले आपके पास है, और वरना आपको तो पता है कि पक्के वोट तोड़ना आसान काम नहीं है। क्या मतलब? अच्छा बड़ी बात है, अम्मी हजूर इस बार इलेक्शन पे आपको खड़ा कर दे। मेरी माँ के जहाँ पैर पड़ते हैं ना, वह खैर ही खैर और बरकत ही बरकत होती है। और चल तू माँ को ज्यादा मक्खन ना लगा, तू अपने बारे में बता। और तेरे वो जो लड़के हैं, और वो साढ़े तो पक्के हैं ना, ऐसा ना हो इलेक्शन वाले दिन वो ही लोटे निकल आए। सिर्फ जिम वाले? 5 साल हो गए हैं मुझे आपके ख्वाब को पूरा करने की पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आवाम की खिदमत की है। जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ से सलामियाँ मिलती हैं आपके बेटे को। इस बार जीत आपकी और वोट सारे के सारे आपके। चलो पुत्र, एक हो रहा है मैदान, और चलो भाई बिस्कुट खाओ, चाह पियो अपनी भरजाई के हाथ की। बदाम वाला चुक बिस्कुट है, बदाम वाला। हाँ हाँ, क्योंकि हीरो भाई की जुबान बहुत पक्की है, डर लगता है जुबान दे के कहीं जुबान खींच ना ले। अल्लाह ना करे किसी बेकसूर की जुबान खींचो, जो कुछ है आप लोगों से मोहब्बत और उसकी खिदमत है, इसलिए कभी कभी हाथ पैर चलाने पड़ जाते हैं। पढ़ा लिखा हूँ, कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, ना कोई किराए का मारने वाला। एक सियासतदान का बेटा हूँ, उसकी सियासत में उसकी मदद कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। फिर भी आई लव यू। आई लव यू टू हीरो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। What the hell? ये क्या कर रही? Like, what is going on? अभी तो सिर्फ ये दूर का शॉट है, पता नहीं मेरे वहां पहुंचने से पहले क्या कुछ हो गया होगा। God knows. वैसे ये इसने सिर्फ फूल ही पकड़ाया था या कुछ और भी? क्या नाम है आपका आजकल? Zen. Whatever. देखिए, सोशल मीडिया पे ये छोटा सा क्लिप तहलका मचाने के लिए काफी है। वैसे इस वीडियो से ये जाहिर तो हो रहा है कि दे आर लव बर्ड्स। ऐसा ही है। मिस एंजल, ये वीडियो मुझे मिल सकती है? वैसे आपको इस वीडियो से क्या फायदा होगा? कुछ गलत तो करने का इरादा नहीं है, एज इन ब्लैकमेलिंग? नहीं 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 नहीं, आई प्रॉमिस मैं इस वीडियो को मिसयूज नहीं करूंगा। फिर क्या करेंगे आप इस वीडियो के साथ? एक्चुअली बड़ा पर्सनल और सीरियस मैटर है वो। दरअसल हीर जो है ना, मेरी फियांसे है, और ये मुझे डबल टाइमिंग, यू नो व्हाट, इमोशनल हो गया, आई एम सो सॉरी।
डबल क्रॉसिंग। अरे मिस्टर जैन, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो मुझे आपसे ज्यादा हमदर्दी हो रही है। दीज गोल टेकर्स, आप नहीं जानते ये भोले भाले लड़कों को फंसा के लूटना चाहती हैं, और आप तो हैं भी इतने पैसे वाले। हाँ चले, अब काम की बात पे आते हैं, कैसे डील करेंगे आप मेरे साथ? अब एंजल जी, जैसा आप कहें। ग्रेट, देखिए आपने आने से पहले यही कहा था ना कि आप मुझे डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। जी जी, बताएं कितने डॉलर्स चाहिए आप? यही कोई $2,000। $2,000? $200 कर। देखिए ये नहीं हो सकता, आने से पहले डील हुई थी। श्योर, व्हाई नॉट, मैं तो मजाक कर रहा था। डन, गुड। बर्बाद हो गया मैं, बहुत बड़ा हैंड हो गया, बहुत बड़ा हैंड हो गया। ओ ज़ैन पुत्र, यार संभाल अपने आप को, क्यों बच्चों की तरह रो रहा है यार? ओ देख ध्यान करो, ये नाक की ना भाग जाए यार, इस उम्र में नाक भागता अच्छा नहीं लगता, मयूब लगता है। यूज दिस टिश्यू प्लीज। नाक काट के रख दिया, बहेगा तो सही। ओ सनम बेवफा निकली। ए यार आहिस्ता बो, आहिस्ता रहो यार, को सुन लेगा यार। ते ओ मुंडे देख, इधर ही देख रहे हैं, कान बड़े तेज होते हैं इन मुंडों के, फैला देंगे बात। यार क्या कर रहा, कोई सुन लेगा तो सुन ले, मैं इस समाज की रीति रिवाजों से नहीं डरता। मैं कल ही कनाडा वापस जा रहा हूँ, इनफ इज इनफ। यार जैन तू अपनी वी नहीं बंद करेगा तो मैं कुछ कहूंगा ना यार। क्या कहेंगे आप अंकल, क्या कहेंगे? I'm heart broken, दिल चूर चूर हो गया। You know how it feels? ओ बस पुत्र बस, You know how it feels? या I know, देख I know your heart is लियोलीर यार, मतलब हौसला कर। ओ यार ओ बेहोशी ना हो जाइए, ओए पानी ठंड मैं लेके आता हूँ, पानी लिया ले पुत्र, पानी पी ठंडा, जूस। हाँ जूस, एनर्जी लेवल लो हो गया पुत्र का। जूस केड़ा जूस? अरे ले पुत्र जूस पी, पुत्र जूस, शाबाश पी ले, हौसला, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, मैं हूं ना, चलो पीले, हाथ भी काम पे। हाँ जो वो तो नेचुरल है, नेचुरल सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना अंकल। आपको पता है मैंने हीर के साथ कितने सुहाने ख्वाब देख लिए थे। नेचुरल है पुत्र, नेचुरल है। और आपकी तो मैंने बिजनेस क्लास टिकट भी बुक करवा ली थी पुत्र। मेरी या? और वीआईपी उमरा हज का पैकेज विद वर्ल्ड टूर। Yes, uncle. ऊपर से डेस्टिनेशन वेडिंग इन टर्की। और पता है स्पेशल गेस्ट कौन था? कौन था? हलीमा सुल्ताना। Can you imagine? Really पुत्र, माहौल तो नहीं था? क्लास फेल हुई थी मेरा। अच्छा मैं जा रहा हूँ कनाडा वापस। ओए बैठ जाए, मेरा मतलब है पुत्र वापस। हाँ पुत्र, कनाडा जो है ना कोई पुत्र, ये दूसरी गली में छोड़ी है, है? और पुत्र अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तेरा पासपोर्ट आया है, तू हमीद जट का ममाने खसूसी है, हमीद जट की इज्जत है मल्ले में, काउंसलर हूँ मैं। और बात सुन, इधर देख मेरी तरफ जा, आज ये हमीद जट जो है ना तुझे अपनी जुबान देता है,
ओए हीरो भट्ट की शादी हीर जट के साथ मेरी लाश पर से होगी, ओवर माय डेड बॉडी। जब तक मैं जिंदा हूं ना पुत्र, ये हो नहीं सकता। ऐसे तू मासूम है, तुझे नहीं पता। बात सुन, मैं कहना ये चाह रहा हूं, और पुत्र मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू तेल देख और तेल की धार देख। वो क्या कहते होते हो तुम लोग अंग्रेजी में, जस्ट वेट एंड वॉच। आर यू श्योर? हलीमा सुल्तान है ना गेस्ट, मैं उनको कैंसिल ना करूं? ना आप बिल्कुल नहीं करना। जूस जूस भी पुत्र, तू पुत्र जूस, हलीमा को कौन सा जूस पसंद है पता है कुछ? उसको भी यही पिला देंगे। शीते, ये जो मुंडा है ना जैन, ये मुंडा नहीं है, ये गोल्ड की टिकट है, गोल्ड की। मेरी तीन, मेरी हीर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो बेहतर था और चलती ट्रेन से धक्का दे देती, सडन डेथ। फाइन, ये अरशद भट्ट और उसके बेटे की साजिश भी हो सकती है। और बस करते यार, बस करते। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। अगर ऐसा था तो ये बता कि हमारी थी मुखालफों के पुत्र के साथ, और पार्क में क्यों जाती? पाएं ना, बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को लेके ना पार्क में जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनका कोई चक्कर है। और बस कर दे, माफ कर दे मुझे। पहले मेरे दिमाग में टीसे उठ रही हैं, मुखालफों का थोड़ा जो है ना, थोड़ा बन के मेरे दिमाग में बच रहा है। ऊपर से इलेक्शन भी नेड़े आ रहे हैं, वो साफ साफ कह क्या कहना चाहता है। हमीद भाई, आप अपने इलेक्शन पे फोकस करें, हीर मेरी भी ती है, हम उसका बुरा तो नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। अगर जैन से उसका रिश्ता हो जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और बस मैं अपनी तफ्तीशें शुरू करने लगा। आए बैजाए, रख अपनी तफ्तीशें अपने पास, तेरी तफ्तीशों ने किसी का क्या पट लेना है, जैसे मैं तुझे और तेरी तफ्तीशों को जानता नहीं हूं। तफ्तीश शुरू करेगा ये पपायन, इससे कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि हीर के दिल में क्या है। अगर खुदा ना खास्ता ये बात सच साबित हुई तो फिर हमें यह सोचना है कि इस रिश्ते पे फुल स्टॉप कैसे लगाना है। यार शीते, तुझे मैं अपने दिल की बात बताऊं, सच्ची बात ये है कि मुझे अपने हीर से इस बात की उम्मीद ना थी। ओहो पायन, फिर वही गल्ला, आप सिर्फ जैन को अपने हाथ में रखें, उसे तसल्ली देकर रखें, बाकी देखें मैं क्या करता हूं। कोई उसे नजर नहीं आया, वो मेरी ती को नजर नहीं आया कि मुखालफों के पुत्र से दिल लगाना तकरीबन जुर्म है। ये दिल लगा टेप है, जा चाहो जिधर मर्जी चाहो लगा दो। ओहो भाईजान, इसी को तो बचपना कहते हैं। आप अपना और मेरा टाइम भूल गए। हमारा दिल भी टेप होता था, हर जगह लग जाता था, वरना ऐसा वेल सेटल रिश्ता कोई हाथ से जाने देता है? ओए शीते, ओए कान खोल के मेरी ब्रेकिंग न्यूज सुन लो, इस हीर को रस्सियां पा के रखो, वरना मुझसे कोई हादसा हो जाना है। फिर ना कहना कि पायन आपने वार्निंग नहीं दी थी। पायन, ये काम तो भट्टो ने शुरू किया है, उसे खत्म मैं करूंगा। मेरा ब्याह तो हो नहीं सका, पर मैं हीर का ब्याह जैन से जरूर करवाऊंगा। भाभी, हीर नजर नहीं आ रही। अकेडमी से होएगी क्यों? खैर है,
हाँ हाँ खैर ही है, बस एक बात तो बताएं। पूछो। आपने पिछले कुछ दिनों से हीर में कोई तब्दीली देखी है? मसलन यही कि टाइम शाम पे घर ना आना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डेढ़ एक घंटे बाद ना सही सलामत एकेडमी से घर आ जाती। एक मिनट कभी आपने देखा कि रातों को उठ के खाना खाए भूख प्यास का ज्यादा लगना? हे आए रशीद पायन, और फ्रिज का तो मैं वैसे ही ताला मार के रखती हूँ उस पुखड़ बबली की वजह से, रातों को उठ उठ के आइसक्रीम खा जाता है। एक मिनट हुण फिर की हो गया? भाभी ये बताएं कि कभी हीर फोन देख रही हो और अचानक हंसना शुरू कर दे, मुस्कुराना? ना रशीद पायन, और तुसी की सीआईडी बन के मुल्जिम की तरह पूछगुछ शुरू कर दी है मेरे से? और हीर ती है मेरी को जेल में बंद कैदी नहीं है कि इस तरह शकी तरीके से रिपोर्ट बना रहे हो उसकी? पता नहीं इस घर में हो की रहा है, हटो। ओहो भाभी आप तो ऐसे ही नाराज हो रही हैं, पूरी बात तो सुन लो। हुण की रह गया? मैं तो एक लड़की का केस स्टडी कर रहा था, वो अपनी हीर की उम्र की है। मैं ये देखना चाह रहा था कि इस तरह की लड़कियों के दिमाग किस तरह काम करते हैं। आप तो ऐवें ही नाराज हो रही हैं। मैं भाभी आ जा भाई, आ जा माड़ा गढ़ जो है वो मेहमानों के लिए हर वक्त खुला रहता है, आ जा बैठ। Nice crib, uncle. हाँ, और एक की के आई पर हाँ। बता पुत्र फिर क्या खाएगा? I'm all good. ना पुत्र, तू पहली दफा हमारे घर आए मेहमान बन के, तो हम खाली पेट तो नहीं तुझे जाने देंगे। आंटी, honestly, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? मैं तो बस हीरो से मिलने आया था। ले, तकल्लुफ केड़ा? तू बाहर के मुल्क से आया है, हमारे पड़ोसियों का मेहमान है, तो पहली दफा हमारे घर आए, हम खातिर तवाजो क्यों ना करें? अच्छा चल बता क्या मंगाऊं मैं? ए पैटीज के केक के? नहीं नहीं आंटी, आई स्वेयर मैं डाइट पे हूँ, बल्कि मैं हीरो के जिम भी जा रहा हूँ। यू कैन आस्क हिम। आप इस तरह करें, आप चाय पिला दे तो बेहतर है। सौ वारी पुत्र, लो बादशाह, मैं जरा लड़के को भेज के ना कोई चीजें मंगाती हूँ, चाय लेके आती हूँ। गपशप लगाए आप। पल्ले पकौड़िया मंगाई। अच्छा जी, पकौड़िया? हाँ पकौड़िया। और बाहर फिर कैसा चल रहा है, काम काज ठीक चल रहा है या हमें बस वाड़ा कर दिया? All good, uncle, all good. Or what is this vacancy? You can go, please, the medical store. I like your English, uncle. I also do this. अच्छा तो अपना ये जट्टों का रिश्तेदार? नहीं uncle, we're actually family friends. Uncle Hamid और मेरे father एक साथ college में पढ़ते थे. Uncle Hamid, और मीदा जट fail हो गया था, परावरा नहीं है? Yeah, I think so. पता नहीं, I don't know. I just know. अंकल आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तकाड़? आपका बेटा हीरो शायद आपको बुरा लगे। ओ मुझे क्यों बुरा लगेगा? ओ मेरी औलाद है, मेरा खून है, मेरा पुत्र है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वे? नहीं आप गलत समझे, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन टू से वो आजकल ना गलत कंपनी में है। वो तो किसी कंपनी में है ही नहीं, मैं तो तड़ले कड़कड़ पागल हो गया। किसी कंपनी में लग जा, कुतनखा कमा, को पैसा कमा, वो तो पुत्र किसी भी कंपनी में नहीं है। नहीं एक्चुअली अंकल द थिंग इज, या तो वो आपके पैसे उड़ा रहा है या बाहर लड़कियों के साथ फाड़ीज कर रहा है। की काड़े अंकल? फाड़ीज यू नो। ये तो नहीं पता कि तूने ये क्या किया है, पर ये अंदाजा हुआ है कि मेरे पुत्र की बुराइयां काट रहा है तू। ओए खबरदार, ओए मेरे पुत्र के बारे में कोई गलत बात की, मैंने भूल जाना कि तू बाहर से आया हुआ है। ये डोंट यू उंगल इस तरह करके गल ना कर। चिल। लेकिन ये जो आपका जज्बे वाला फादरहुड है ना, आई लव दिस। यही अपने हीरो में फर्मबदारी होती तो आज। और मुझे पता है आप मेरा यकीन नहीं ना कर रहे,
अभी आपको दिखा सॉरी पुत्र सॉरी नहीं नहीं अंकल फोन 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 पे दिखाने लगा हूं कुछ बड़ा करता हूं मेरा ये देखें ये तो मेरा पुत्र है और साथ कोई कुड़ी है पर है कौन कुड़ी नहीं है ओ कुड़ी नहीं है ओए तो और गलत बात है पुड़ी है लेकिन नशे की पुड़ी है हमीद जट की बेटी हीर जट की ओ की कह रहे हैं की पैपड़ पा रहे हैं ओ क्या कर रहे हो पर खुड़दार खोल के बताओ कूल डाउन अंकल आप तो ओवर रिएक्ट कर गए देखें इसमें सिर्फ आपके भले की बात नहीं कर रहा अपने भले की भी बात कर रहा खामखा जेनरेशन तबाह होगी एक दूसरे पे यू नो फायरिंग होगी ओए मुंह नल आवाज की कटी हुई अंकल ये दोबारा निकाल जरा फिर क्या है अंकल लाइक ओ तेरा पापा यस अंकल मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं हो जाने की तकले आम या कैसे कहूं ओ खुल के समझाना ऐसे समझ नहीं आ रही है अंकल मैं हीर से प्यार करता हूं उसे शादी करना चाहता हूं आप बस किसी तरह भी अपने बेटे को समझाएं मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ चक्करबाजी चल रही है गजरेले के डोंगे आ रहे हैं ये कुछ जमजमैया छमछमैया हो रहा है गेम खराब है पर निम्मी नहीं मानती थी ना निम्मी क्या नहीं मानती थी बाट साहब की हो गया उड़े आए ना जरा उड़े पड़ा और पड़ा चल तू जरा बिस्कुट फड़का मैं आ रहा हूं चल हां जरा की होया बट चल हां तेरे दे पासे पन्ना बट सब जान दो चाचू आ हां पुत्र मैं थाने से जरा जल्दी आ गया था तो सोचा कि अपनी धी रानी से जरा मिल आता हूँ बोर हो रहा था बैठा बैठा वो सिर में आप इस तरह अचानक कभी आए नहीं ना तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों वाह जी वाह बड़ी डेकोरेशन बड़ी अच्छी सजावट की हुई है वो मेकअप लिपस्टिक उतर खैर तो है ना बस ऐसे ही तैयारी के शौक देख तू मेरी भतीजी है लेकिन मेरी सहेली भी तो है ना जी 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 हैं जी तू मेरा एक काम कर दे क्या ये नेटशट पे बैठ के ना वो रिश्ते फिश्ते नहीं देखते वो अपने चाचे के लिए कुछ चाची तो लभ के दे यार अच्छा लो मुझे तो लगा कि आप खुद बैचलर लाइफ गुजारना चाहते हैं वरना तो मेरी जितनी नो हाउ है ना चचू अब आप देखो मैं कैसी नेट से जो है चची ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए ये हुई ना बात शाबाश आहा अच्छा एक बात बता उस दिन तूने अचानक जैन को चिट्टा जवाब दे दिया था खैर तो है ना ऐसी बात तो नहीं है कि तेरे कोई सज्जे खब्बे को दिल दिमाग में कोई और है तो बता पुत्र नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देख तेरा चाचा ब्रॉड माइंडेड है ओए हम बच्चों की चॉइस पे कोई इतराज शितराज नहीं करते अगर कोई डेंग का छिका है ना तो बता मुझे सच बताऊं हाँ हाँ एक है है जो सांसों की माला पे सिमरा हुआ है सांसों की माला पे सिमरा हुआ एक है जिसने मुझ जैसी पत्थर को पिघलती मोमबत्ती बना दिया है मोमबत्ती बना दी है एक है जिसके बारे में सोच के मेरे दिल में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है बहुत कुछ होती है हाँ। अब बता भी कौन है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ख्वाबों का राजा है और कौन होगा अच्छा एक बात और बता जी देख तू तो किसी को पसंद नहीं करती हो सकता है कि कोई मल्ले में कोई हीरो टाइप बंदा वो तुझे पसंद करता हो वन साइडेड प्यार चाचू अब अगर कोई वन साइडेड लव करता हो तो उसमें मेरा क्या कसूर ऐसे तो कई आपके फैंस और फॉलोअर्स होते हैं ना अच्छा पक्की गल है 100% पक्की बात है चल ठीक है अच्छा मेरा काम ना भूलना और चाची वाला
बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश। मैं यूं खफा तो नहीं मगर गिला है मुझे क्यों बेवफा से कोई वफा करे। रखा हुआ कैद में है उसके मन में कहीं उसे कहो दिल मेरा रहा करे। अपना बना किया फना खैर है मेरा पुत्र, आज बड़ा दीवानगी ड्रामे के गाने सुने जा रहे हैं। अबूजू ड्रामा ही बड़ा जेंगो है, और कहानी क्या एक तरफा इश्क है। ओ ना मेरा पुत्र, तू किसी लड़की के साथ इश्क ना कर बैठी एक तरफा। बच्चा थोड़ी है हीरो भट्ट, फिक्र ना करें आप। मुझे पता है ना असल हीरो कौन होता है। असल हीरो पुत्र वो होता है जो अपने मिशन से ना हटे, और दुनिया लाख उसको चक्करबाजी दे पर वो अपने मिशन पे कायम रहे। और तुझे अपने मिशन का अंदाजा है ना। कौन सा मिशन? वो तुझे तेरे मिशन का ही नहीं पता। वो दिल तोड़ दिया है मेरा, वो भूल गया अपना मिशन। ओए रात को नींदड़ शींदड़ आ रही है। हाँ खराटो समेत 7 to 8 आवर्स एवरी नाइट। निछे मिछे तो नहीं मारता? जब नजला होता है तब आती है। कोई सादी निछी याद नहीं पड़ रही मुझे आज। वो याद पड़ रहा है वो लगाड़ी का छोटा पुत्र काका। कोई काका याद नहीं मुझे। पुत्र वो काके ने मुझे बताया है कि आजकल हीरो भाईजन पार्क में कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं। क्या वजह है? दाल में कुछ काला तो नहीं है? ये मुझे लगता है दाल में पुत्र रोर नहीं है, ये दाल में पूरा बट्टा है। लो बट्टे की क्या औकात भट्ट साहब के घर की दाल में इंटरफेयर करे। वो दाल तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे को ढीक चपी लें। और पार्क का जो आप कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ वो ये देखे ना जरा इधर, ये बेली फैट थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैं जाता हूँ पार्क में रोज वॉक करने के लिए, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। कहीं किक चलानी पड़ती है ना तो टांग में जरा लचक रहे। टांगों में ही लचक रहनी चाहिए पुत्र, ये ना हो के और मामलात में लचक पैदा हो जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और फिर सुनने लगा हा? चल चला हाँ मरीना, क्या आपका है? हाय नहीं अड़िए, आज सवेरे तो बनाया सी पालक गोश्त, ते हुण मटर लेके बैठी हूँ, रात को बनाऊंगी मटर पुला। और ये जो जैन दोनों खानदानों को पका पका के पागल बना रहा है, ओदा की करिए? वो किस तरह? मेरी बात सुन, आज वो हमारे घर आया था और हीरो को मिलने के बहाने अरशद के साथ बड़ी गूड़ियां डाल रहा था ना, मुझे तो देख के तो बौंदर सा गया। हाँ, नहीं अड़िए हालात तो इधर भी बड़े संजीदा हैं। रशीद भाई है ना, हीरो के बारे में बड़ा उनके पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि हीरो और हीर के बारे में हमें खुद इन दोनों के अपुओं को बता देना चाहिए। हाँ तो क्या बिल्कुल ठीक रही है, हमें बता देना चाहिए। ये ना हो कि कोई नवा पुआड़ा डाले वो जैन। हीरो जी, Is there any sad news in paradise? जन्नत की नहर में खड़े होके
नहीं घबराना चाहिए हीर। घबरा नहीं रही लेकिन कभी नहीं सोचा था हीरो बट एक्शन सीक्वेंस फिल्माते फिल्माते डायरेक्टर मानवी सीन में एंट्री मारेंगे और ये दुनिया वाले हमारी मोहब्बत देख के सड़सड़ के कोयला हो जाएंगे। तो क्या हो गया, कोयले के कान से ही तो हीरा निकलता है। आप इस वक्त हीरों की चमक से लुत्फंदोज हो रहे हैं और बाकी सब वो हम आशिकों को चिमटे से रोटी की तरह पकड़ के आग में सेकना चाह रहे हैं। आशिक भी बड़े आतिशफिशा होते हैं हीर, हिमाचिस की छोटी सी चिंगारी से नहीं डरते। तो चले फिर, खुद पे इतना ही भरोसा है तो आज खुद चल के अपने घर वालों को सब सच सच बता देते। कबूल है, चल। तू मैं लाइक जलेबी।